एफिडेविट आया है केंद्र सरकार का। देखिए, मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो सेंसस एक्ट है, जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकते हैं। तो आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करके जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया कि सेंसस कराने का अधिकार सेंसस एक्ट की धारा 3 के तहत केवल केंद्र को है। लेकिन अगर कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, कोई सर्वे कराता है, कोई और कुछ करता है, तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में स्टैंड था, उसी के अनुरूप केंद्र ने अपना एफिडेविट फाइल किया है। हम उनके इस एफिडेविट का स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के पक्ष में और हाईकोर्ट के समान जातीय गणना के पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में, जातीय सर्वे के हम पक्ष में हैं। और हम ही लोगों की सरकार भी ये निर्णय हुआ कि बिहार में जातीय सर्वे कराया जाना चाहिए। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो मत था, उसी के अनुरूप केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया, इसलिए केंद्र की सरकार बधाई का पात्र है। कोर्ट ने 22 तारीख को हाजिर होने का समन जारी किया है, जिनमें उन्होंने बोला था गुजराती ठग वाले बयान को लेकर के। देखिए, तो कानूनी प्रक्रिया है, डिफेमेशन के मामले में राहुल गांधी को भी सजा हुई और राहुल गांधी की सदस्यता गई, राहुल गांधी को पटना की कोर्ट ने समन किया था। तो इसलिए गुजरातियों के बारे में जो उन्होंने कहा है, उसी को संज्ञान लेकर गुजरात के निचली अदालत ने उनको समन किया है। अब देखना क्या होता है, कोर्ट क्या दृष्टिकोण लेता है, ये तो उसी दिन मालूम पड़ेगा कि क्या होगा इसके अंदर। नीतीश जी बार बार कन्वेनर पर बोल रहे हैं कि मुझे नहीं बनना है, अब तो RJD भी बोल रहा है कि वहाँ बैठक में तय होगा। अब देखिए, लालू यादव क्यों चाहेंगे कि नीतीश जी कन्वेनर बने? कन्वेनर बनेंगे तो ताकतवर हो जाएंगे, ज़्यादा सीट की मांग करेंगे, तो कोई सहयोगी दल क्यों चाहेगा कि नीतीश जी कन्वेनर बने? तो मुझे तो नहीं लगता है कि बाकी। अब देखिए, हो सकता है कहीं 2-3 राज्यों का मिलाकर भी कन्वेनर बनाने की बात चल रही है, जैसा लालू जी ने कहा है, तो उस पर निर्भर करेगा क्या होता है, ये उनका आंतरिक मामला है, बने ना बने वो जाने, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।